आज हम पढ़ेंगे चैप्टर वन का पार्ट टू वीडियो, ओके, जो कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, ये चैप्टर वन, इसका पार्ट टू वीडियो आज हम पढ़ेंगे। तो पार्ट टू के अंदर हम पढ़ेंगे डाटा कम्युनिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन एंड द मोड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन, ओके। तो ये तीन पॉइंट्स हम इसमें पढ़ेंगे ये वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन क्या है। डाटा कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन, ओके। तो कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में जो इंफॉर्मेशन या मैसेज का जो एक्सचेंज होता है, डाटा का जो एक्सचेंज होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजता है, ये जो डाटा भेजने का प्रोसेस को हम डाटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। द डाटा कम्युनिकेशन मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस और द क्राइटेरिया। तो ये जो डाटा कम्युनिकेशन होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजा जाता है, सेंड किया जाता है, ओके। तो सेंड करने के टाइम पे कुछ कंडीशंस होता है, वो कंडीशन डाटा कम्युनिकेशन फुलफिल करता है। तो क्या क्या कंडीशन है हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज योर डिलीवरी, दैट मीन्स जो मैसेज भेजा जाता है वो मैसेज प्रॉपर यूजर के पास पहुंचना चाहिए, ओके। द नेटवर्क शुड डिलीवर द डाटा एट प्रॉपर प्लेस। मैसेज हमने जिसको भेजा है, जो कंप्यूटर को हमने मैसेज भेजा है, एग्जैक्टली वही कंप्यूटर के पास मैसेज जाके पहुंचता है कि नहीं, ओके, ये डाटा कम्युनिकेशन चेक करता है। तो ये प्रॉपर्टी को डिलीवर प्रॉपर्टी बोला जाता है। अगर मैसेज प्रॉपर यूजर के पास पहुंचा, मतलब जिसको हमने भेजा था उसके पास पहुंचा, तो ये ठीक है, ओके। तो दिस प्रॉपर्टी इज द डिलीवर प्रॉपर्टी। तो डिलीवर प्रॉपर्ली होना चाहिए तो हम बोलेंगे डाटा कम्युनिकेशन ठीक से हो रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब डाटा कम्युनिकेशन शुड बी फ्री फ्रॉम फॉल्ट। जो मैसेज हमने भेजा है, सेंडर ने एक मैसेज रिसीवर को भेजा है, मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को भेजा है, तो जो मैसेज भेजा है, जो डाटा भेजा है, वो डाटा 100% करेक्ट है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। दिस इज द एक्यूरेसी प्रॉपर्टी। देन थर्ड वन इज योर टाइम लिमिट, ओके, दैट मीन्स द डाटा शुड रीच द डेस्टिनेशन विदाउट एनी डिले। मतलब जो डाटा हम भेजेंगे वो डाटा रिसीवर के पास क्विकली और प्रॉपर टाइम में पहुंचना चाहिए। जो मैसेज एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को भेजा है वो लेस टाइम नंबर ऑफ टाइम में, मतलब मिनिमम टाइम में वो जाकर रिसीवर के पास पहुंचता है, बीच में कहीं पे वो रुकता नहीं, विदाउट एनी डिले, ओके। तो तीन प्रॉपर्टी है, एक डिलीवर, देन एक्यूरेसी, देन टाइम लिमिट। जो मैसेज एक कंप्यूटर ने भेजा दूसरे कंप्यूटर को, वो दूसरे कंप्यूटर में जाकर ही पहुंचना चाहिए, बीच में और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। देन जो मैसेज भेजा गया है वो मैसेज 100% करेक्ट होना चाहिए और वो प्रॉपर टाइम में वो मैसेज जाकर रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टीज डाटा कम्युनिकेशन के अंदर होता है। अगर ये तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करके एक मैसेज दूसरे कंप्यूटर के पास जाकर पहुंचता है तो हम बोलेंगे डाटा कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली हो रहा है, ओके। देन इसको हम देखेंगे, इसका कंपोनेंट्स क्या है, डाटा कम्युनिकेशन का क्या क्या कंपोनेंट्स है। फर्स्ट वन इज योर सेंडर, ओके। सेंडर मतलब द डिवाइस और द कंप्यूटर हु सेंड्स द मैसेज। जो कंप्यूटर हो या जो डिवाइस मैसेज भेजता है उसको बोलेंगे हम सेंडर। देन सेकेंड वन इज योर रिसीवर, रिसीवर मीन्स द कंप्यूटर और द डिवाइस और द यूजर हु रिसीव द मैसेज, जो कि मैसेज को रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है। जो मैसेज भेजता है वो सेंडर है, जो एक्सेप्ट करता है वो रिसीवर है, ओके। देन थर्ड वन इज योर मीडियम, मीडियम मीन्स द पाथ थ्रू विच द मैसेज और द डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड। जो पाथ के थ्रू मैसेज जाता है, जो रास्ते में मैसेज जाता है, वो रास्ते को, वो पाथ को मीडियम बोला जाता है, ओके। जैसे कि हम टेलीफोन में बात कर रहे हैं, तो टेलीफोन डिवाइस के थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो टेलीफोन, एक टेलीफोन दूसरे टेलीफोन के साथ
केबल वायर में कनेक्ट होता है, तो केबल वायर इज द मीडियम। हम मोबाइल में अभी बात कर रहे हैं, तो मोबाइल का मीडियम क्या है, वो एयर में जाता है। मोबाइल में कोई केबल वायर यूज़ नहीं होता है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर हम कॉल करेंगे तो जो सिग्नल जाएगा, हमारा जो वॉइस का सिग्नल जाएगा, वो किस में जाता है, एयर में जाता है। तो वहाँ पे मीडियम क्या है, एयर। ओके, देन थर्ड वन इज योर, फोर्थ वन इज योर मैसेज। ओके, दैट मीन्स कम्युनिकेशन के लिए कुछ मैसेज का जरूरत होता है। अगर एक आदमी दूसरे आदमी को फ़ोन करेगा, ओके, तो फ़ोन करेगा मतलब सेंडर रिसीवर हो गया, मीडियम हो गया एयर, वो कुछ बात नहीं करेंगे, वो फ़ोन लगे, दोनों का फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, इधर से एक सेंडर फ़ोन को पकड़ के रखेगा, रिसीवर भी फ़ोन को पकड़ के रखेगा, पर कोई किसी को कुछ भी बोलेगा नहीं, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ये सही फ़ोन पकड़ के साइलेंटली बैठा रहेगा, वो भी फ़ोन पकड़ के साइलेंटली बैठा रहेगा, कुछ भी मैसेज वो सेंड नहीं करेंगे, तो वो ये भी कुछ नहीं बोलेगा, वो भी कुछ नहीं बोलेगा, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन कम्प्लीट नहीं होता है। तो ये चार कंपोनेंट का ज़रूरत है डाटा कम्युनिकेशन के लिए। और भी एक कंपोनेंट का ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो क्या है, प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल मीन्स इट इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशंस ऑफ डाटा फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। तो प्रोटोकॉल मीन्स कुछ रूल्स होता है डाटा कम्युनिकेशन का, कुछ रूल्स होता है, वो रूल को फॉलो करके डाटा सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचता है। अगर वो रूल वो फॉलो नहीं करेगा तो डाटा सेंडर से रिसीवर के पास प्रॉपरली जाकर पहुंच नहीं पाएगा। जैसे कि हम रास्ते पे जाते हैं, जब हम रास्ते पे जाते हैं साइकिल में या बाइक में या कोई भी व्हीकल में या पैदल चल के जाते हैं, तो हमको कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है। जब हम साइकिल में या बाइक में जाते हैं रास्ते में, तो हमको हम रास्ते में चलने का एक रूल है, आप हमेशा रास्ते की लेफ्ट साइड में चलेंगे। ओके, क्योंकि राइट साइड में चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ओके, तो लेफ्ट साइड में आपको चलना है। जब आप ट्रैफिक सिग्नल आएगा, रेड सिग्नल आएगा, तो आपको रुकना पड़ेगा। ओके, अप टू सिग्नल ग्रीन होने तक। अगर आप रेड सिग्नल में आगे चले जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ रूल्स है रोड में चलने के टाइम में, कुछ प्रोटोकॉल से, तो वो प्रोटोकॉल को यूज़ करके हम रास्ते में चलते हैं। अगर प्रोटोकॉल को हम वायोलेट करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा। ओके, इसी तरह डाटा कम्युनिकेशन में जब मैसेज सेंडर से रिसीवर के पास भेजा जाता है, तो इसमें भी कुछ प्रोटोकॉल्स होता है, कुछ रूल्स होता है, वो रूल को फॉलो करके डाटा सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचता है। ओके, इसको हम डायग्रामेटिकल समझेंगे। देखो, तो यहाँ पे मेरा एक कंप्यूटर है, सेंडर कंप्यूटर। ओके, तो ये मेरा सेंडर कंप्यूटर है, देन ये मेरा रिसीवर कंप्यूटर है। तो सेंडर कंप्यूटर मैसेज भेजता है, ये मैसेज है, सेंडर कंप्यूटर रिसीवर को मैसेज भेजता है। तो ये मैसेज हो गया, डाटा लिखा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस, कुछ सेंटेंस पैराग्राफ यहाँ पे रखा गया है। देन ये जो वायर बीच में लगा गया है, ये क्या है, ये चैनल और मीडियम इसको बोलते हैं। ओके, देन ऊपर कुछ प्रोटोकॉल्स है, सेंडर के पास कुछ प्रोटोकॉल, रिसीवर के पास कुछ प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल को फॉलो करके सेंडर मैसेज सेंड करेगा, रिसीवर वही मैसेज को रिसीव करेगा। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है। ओके, तो ये हो गया डाटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ओके, तो दिस इज द मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन का मेथड का मतलब क्या है, मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मीन्स द डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो प्रीवियसली हमने जो कंपोनेंट पढ़ा था, सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है और रिसीवर सेंडर को मैसेज भेजता है, बीच में एक मीडियम होता है। ओके, तो वो जो मीडियम होता है, वो मीडियम में डाटा कैसे फ्लो करता है, वो फ्लो करने मतलब कैसे डाटा जाता है, वो फ्लो करने का प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसको बोला जाता है मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन। द मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मीन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द सेंडर टू रिसीवर, मतलब सेंडर टू रिसीवर एंड रिसीवर टू सेंडर, कब मैसेज कहाँ कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, उसके भी कुछ रूल्स है, वो रूल को लेकर डाटा ट्रांसमिशन का फ्लो को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है हम देखेंगे, डाटा ट्रांसमिशन मोड को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन इज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, तो ये तीन कैटेगरी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे व्हाट इज सिंप्लेक्स मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ओके,
simplex mode of data transmission. In this mode of data transmission, data is transmitted in one direction only, that is from the sender to receiver, but not in opposite. That means simplex mode में क्या होता है, data हमेशा sender से receiver के पास ही भेजा जाता है, पर receiver कभी भी message sender के पास भेज नहीं पाएगा. देखो यहाँ पे हमने diagrammatically समझाया है, यहाँ पे एक laptop है जो कि sender है, यहाँ पे एक desktop computer है जो कि receiver है. तो एरो मार्क देखो, ओनली सेंडर से रिसीवर के डायरेक्शन में दिया गया है. डायग्रामेटिकली आपको समझाया गया है कि ओनली ये लैपटॉप कंप्यूटर जो कि सेंडर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि रिसीवर है, उसको ही हमेशा मैसेज भेज सकता है. कभी ये डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के पास, मतलब ये रिसीवर सेंडर के पास कभी भी मैसेज भेज नहीं सकता है. तो ये सिंप्लेक्स मोड होता है. इसका हम डेली लाइफ का कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. देखो यहाँ पे मेरा एक एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, कम्युनिकेशन बिटवीन द टीवी, टेलीविजन एंड द रिमोट. आप घर में टीवी होता है, आपके घर में रिमोट आप यूज करके टीवी का चैनल चेंज करते हैं, तो जो टीवी का जो चैनल या वॉल्यूम चेंज करते हैं या ब्राइटनेस कुछ भी चेंज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो आप सभी रिमोट से करते हैं. दैट मीन्स रिमोट में हम जो बटन प्रेस करेंगे तो उसी हिसाब से सिग्नल रिमोट से टीवी में जाता है. दैट मीन्स हमेशा रिमोट से ही सिग्नल टीवी में जाता है, टीवी से सिग्नल कभी भी रिमोट के पास आता नहीं है. तो ये हो गया हमारा यूनिडायरेक्शनल, दैट मीन्स एक डायरेक्शन में सिग्नल जाता है, हमेशा रिमोट से ही टीवी में सिग्नल जाता है, टीवी से कभी भी रिमोट को सिग्नल नहीं आता है. तो ये हो गया सिंप्लेक्स मोड. दैट मीन्स यहाँ पे सेंडर कौन सा है, रिमोट है, रिसीवर कौन सा है, टेलीविजन. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हाफ डुप्लेक्स मोड. ओके, हाफ डुप्लेक्स मोड. In this mode, the data is transmitted in both the direction, that is from the sender to receiver and also from the receiver to sender, but only in one direction at a time. इसमें क्या होता है, sender receiver को message भेजता है and receiver भी sender को message भेजता है, but only one direction at a time. That means जब sender message भेजेगा तब receiver message भेज नहीं पाएगा, तब रिसीवर कॉन्स्टेंट रहेगा, और जब रिसीवर सेंडर को मैसेज भेजेगा तब सेंडर कॉन्स्टेंट रहेगा, आइडियल रहेगा. उसी टाइम में सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज नहीं सकता है. ओके, जब सेंडर मैसेज भेजता रहा है तब रिसीवर कॉन्स्टेंट रहेगा, आइडियल रहेगा. जब रिसीवर कॉन्टिन्यूसली मैसेज भेजेगा तब सेंडर आइडियल रहेगा. ओके, देखो इसको हम डायग्रामेटिकल देखेंगे. यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल हमने दिया है, दो डायग्रामेटिकली. फर्स्ट डायग्राम देखो, यहाँ पे सेंडर है, ये रिसीवर है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इज सेंडिंग, बी इज रिसीविंग. दैट मीन्स यहाँ पे ए मैसेज भेज रहा है एक चैनल में. यहाँ पे दो वायर का एग्जाम्पल लिया गया है, दो केबल वायर यहाँ पे, दो मीडियम है. देखो फर्स्ट मीडियम सेंडर के लिए, सेकेंड मीडियम रिसीवर के लिए. जब सेंडर मैसेज भेज रहा है, सेंडर इज सेंडिंग. ओके, जब सेंडर मैसेज भेज रहे तब रिसीवर लाइन आइडियल है, मतलब उस वक्त रिसीवर कुछ भी सेंडर को भेज नहीं रहा है. सेकेंड डायग्राम में देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड डायग्राम में रिसीवर से, सेकेंड लाइन रिसीवर का था, रिसीवर से सिग्नल सेंडर के पास जा रहा है. ओके, उस वक्त सेंडर का जो केबल वायर है, सेंडर का जो चैनल है, वो चैनल कॉन्स्टेंट है, मतलब उसमें कोई भी सिग्नल जा नहीं रहा है. ओके, तो यहाँ पे एट ए टाइम एक ही सिग्नल भेजा जा रहा है. तो इसका हम डेली लाइफ का कुछ एग्जांपल्स लेंगे. ये देखो ये डिवाइस को बोलते हैं हम वॉकी टॉकी. ओके, इसका ये नॉर्मली पुलिस, आर्म फोर्स, ये लोग सब यूज़ करते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है, आप लोग कभी भी टीवी में देखे होगे या रियल लाइफ में देखे होगे, जो पुलिस या आर्मी बात करते हैं तो ये वॉकी टॉकी को वो कान में लेकर, जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं उसी तरह वो इसमें बात करते हैं. जब बात करते हैं, बात ख़त्म होने के बाद वो क्या बोलते हैं, ओवर बोलते हैं. ओके, ओवर या ओवर एंड आउट ऐसे बोलते हैं. ओवर बोलने के बाद दूसरे साइड में जो लोग आदमी बात कर रहा होगा वो बोलेगा, उसका ख़त्म होने के बाद वो बोलेगा ओवर. बोलने से ये साइड में जो खड़ा होगा वो फिर से बात करना स्टार्ट करेगा. अगर एट ए टाइम दोनों बोल देंगे तो क्या होगा, कोई भी किसी का बात ठीक से सुन नहीं पाएगा. ओके, इसके लिए क्या होता है,
वाकी टॉकी में एक आदमी एट ए टाइम बोलता है, एक आदमी का खत्म होने के बाद ही दूसरा आदमी उसमें बोल पाता है। अगर एट ए टाइम दोनों बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगा, कोई भी किसी का बात ठीक से सुन नहीं पाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड। नेक्स्ट हम देखेंगे फुल डुप्लेक्स मोड, थर्ड कैटेगरी हमारा फुल डुप्लेक्स मोड। इन दिस मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन द डाटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ द डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर एंड ऑल्सो फ्रॉम द रिसीवर टू सेंडर एंड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में इतना ही डिफरेंस है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता था, सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता था, रिसीवर भी सेंडर को मैसेज भेजता था। पर क्या होता था, जब सेंडर भेजता था तब रिसीवर आइडियल रहता था, जब रिसीवर भेजता था तब सेंडर आइडियल रहता था। पर इसमें क्या हो रहा है, फुल डुप्लेक्स में सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज पाएगा एंड सेम टाइम में जब सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है उसी वक्त ही रिसीवर सेंडर को मैसेज भेज सकता है। ओके, इसको डायग्रामेटिकली हम देखेंगे। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, सेंडर एंड रिसीवर, ये सेंडर ये रिसीवर। देखो साइमल्टेनियसली सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, एरो मार्क दिया गया है, और इसमें देखो सेम टाइम में रिसीवर भी सेंडर को मैसेज भेज रहा है, बोथ एंड बी कैन सेंड एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। ओके, तो यहाँ पे ए बी को भेज सकता है, बी ए को भी भेज सकते हैं। तो ये फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ओके, इसको एग्जांपल हम देखेंगे। देखो फोन का एग्जांपल दिया गया, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में हम बात करते हैं, अभी हम कोई भी दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं ग्रुप में बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल करके बात करते हैं। तो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, एट ए टाइम चार पांच लोग एक ग्रुप बना के बात करते हैं। तो वो जो ग्रुप बना के बात करते हैं तो एट ए टाइम सभी बोलते हैं, एट ए टाइम बोलने से हम फोन में अगर एक आदमी दूसरे आदमी के बात करते हैं तभी भी हम एट ए टाइम बोलते हैं, हम बोलते हैं वो भी बोलता है, तो किसका भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। हम जो बोलते हैं उसको सुनाई देता है, वो भी जो बोलता है हमको सुनाई देता है। ओके, तो एट ए टाइम यहाँ पे बात कर पाएंगे। देखो हमने यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया गया डायग्रामेटिकली, तो एक आदमी दूसरे आदमी के साथ साइमल्टेनियसली इसमें बात कर सकते हैं, मोबाइल फोन टेलीफोन। तो दीज आर द डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ द फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ओके, तो ये खत्म हो गया हमारा